हाय गाइस एंड वेलकम टू कूल अमित। आज मैं दो न्यू फोन्स का कंपैरिजन करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा। आप बताइए, इस वर्ड को आप किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं? चलिए छोड़िए, मैं आपको अपनी बताता हूँ। मैं पहले इस वर्ड को प्रोनाउंस क्या करता था, एस यू वाई, लेकिन वो बिल्कुल एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। इसके कंपनी के ऑफिशियल जो है इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं इस नाम से। जी हाँ, इसका नाम है वावे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही एक्चुअल में इसका ऑफिशियल नाम है। अगर आपको पता नहीं तो ये बता देता हूँ कि सैमसंग और एप्पल के बाद वावे वर्ल्ड का नंबर 3 स्मार्टफोन ब्रांड है, मतलब चाइना का टॉप ब्रांड है स्मार्टफोन्स में। और कुछ दिनों पहले इन्होंने एक फ़ोन लॉन्च किया है, ऑनर 9i। तो ये वन ऑफ द फ्यू फोन्स है जिसमें 4 कैमराज है, मतलब 2 कैमरा रेयर पैनल पे और 2 कैमरा फ्रंट पैनल पे। और अब 5 दिसंबर को ये और एक फ़ोन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑनर 7x। तो 9i और 7x दिखने में बिल्कुल एक जैसे है, दोनों के स्पेक्स और फीचर्स भी लगभग एक जैसे है। तो दोनों फोन में डिफरेंस क्या है, ये जानने के लिए आप ये वीडियो आगे देखते रहिए। तो गाइज, ये है ऑनर 7x और 9i साइड बाय साइड। दोनों बिल्कुल एक से लगते हैं, आप बता भी नहीं पाओगे कौन सा 9i है और कौन सा 7x है। अब ब्लैक वाला जो है 9i, उसके फ्रंट में 2 कैमरास विद LED फ्लैश, और वाइट वाला जो है वो है 7x, जिसके फ्रंट में सिंगल कैमरा विदाउट LED फ्लैश। अब दोनों फोन्स के रेयर पैनल में थोड़ा डिफरेंस है। 7x में दिए गए डुअल कैमरास साइड बाय साइड जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और 9i में दिए गए डुअल कैमरास वर्टिकल पोजीशन में, एक ऊपर और एक नीचे। लेकिन दोनों फोन्स में फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन लगभग एक सी है। और अब हम देखते हैं दोनों फोन्स के स्पेक्स। अगर आप एक ओवरव्यू करोगे तो दोनों फोन्स के स्पेक्स जो है वो लगभग एक से ही दिखते हैं। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो 9i में यूज़ किया गया है 5.9 इंच का डिस्प्ले, और 7x में यूज़ किया गया है 5.93 इंच का डिस्प्ले। माना कि डिस्प्ले में 0.03 इंचेस का डिफरेंस है, जो बिल्कुल नेग्लिजिबल है और ना के बराबर है। तो दोनों फोन्स में 18:9 रेशियो और फुल HD प्लस डिस्प्ले का यूज़ हुआ है, जो बिल्कुल सिमिलर है। तो दोनों फोन्स में बिल्कुल सेम प्रोसेसर और GPU का यूज़ हुआ है। ये वावे का खुद का प्रोसेसर है जो हाई सिलिकॉन किरिन 659 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, और उसकी प्राइमरी क्लॉक स्पीड है 2.36 GHz। और अगर GPU की बात करें तो दोनों फोन्स में माली T830 का यूज़ हुआ है। अब आपसे बताना चाहूँगा कि माली की GPU जो है इतनी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देते नहीं है एज़ कम्पेयर टू Adreno। तो दोनों फोन्स में आपको मिलता है एंड्रॉयड 7.1 नूगाट आउट ऑफ द बॉक्स। और अगर रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 9i में आपको मिलता है 4GB रैम और 64GB इंटरनल, और 7x में आपको मिलता है 4GB रैम और 32GB इंटरनल। और अगर हम एक्सपेंडेबल स्टोरेज की बात करें तो दोनों फोन्स में दिया गया है 256GB एक्सपेंडेबल स्टोरेज, लेकिन इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट का यूज़ हुआ है, जो बिल्कुल एक मीनिंगलेस फीचर है। और अगर हम कैमरास की बात करें तो दोनों फोन्स के रेयर में आपको मिलता है 16+2 मेगापिक्सल के डुअल रेयर कैमरास। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस है फ्रंट कैमरा में, क्योंकि 9i में यूज़ हुआ है 13+2 मेगापिक्सल का डुअल फ्रंट कैमरा विद LED फ्लैश, और 7x में यूज़ हुआ है 8 मेगापिक्सल का सिंगल फ्रंट कैमरा विदाउट LED फ्लैश। और दोनों फोन्स में बिल्कुल एक सी बैटरी यूज़ की गई है जो है 3340 mAh की, जो आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप देती है। अगर आप दोनों फोन्स का डायमेंशन देखोगे तो बिल्कुल एक से ही है, और सिर्फ 19-20 का ही डिफरेंस है। और अगर हम वेट की बात करें तो 9i का वेट है 164 ग्राम और 7x का वेट है 165 ग्राम। तो यहाँ पर सिर्फ 1 ग्राम का डिफरेंस है, मतलब दोनों फोन्स के वेट बिल्कुल सेम है, अगर 1 ग्राम आपको मायने नहीं रखता तो। तो दोनों फोन्स आते हैं ब्लैक, ब्लू और गोल्ड कलर में, लेकिन जो 9i यहाँ पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है वो सिर्फ ब्लैक और गोल्ड कलर में अवेलेबल है। और ब्लू कलर जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है। और अब देखते हैं 7x कौन कौन से कलर में इंडिया में लॉन्च करते हैं। और अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर प्राइसिंग की। तो ऑनर 9i जो यहाँ पर कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ है, उसकी प्राइसिंग है 17,999 रुपीज़, जो फीचर और स्पेक्स देखते हुए बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक प्राइसिंग है। और ऑनर 7x जो लॉन्च होने वाला है 5 दिसंबर को, तो इसकी प्राइस अभी तक उन्होंने रिवील नहीं की है, तो इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए लगभग 14,000 से 15,000 रुपये, ये देखते हुए कि ये 9i का लोअर डाउन वर्जन है।
तो गाइज आपने खुद देखा होगा इन दोनों फोन्स में इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं कि 7X जो है वो 9i का लोअर डाउन वर्जन है। अब 9i की प्राइस जो है वो थोड़ी हायर रेंज पे है, इसकी प्राइस जो है मैक्सिमम 15 या 16 हज़ार तक होनी चाहिए और उसके हिसाब से 7X की प्राइस जो है वो 13 हज़ार से ऊपर नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कुल अमित को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड यू बेटर बी कूल।